सर होस्ट करो ना मुझे। सर होस्ट करो ना। सर ने अनम्यूट म्यूट किया। हाँ ठीक है, ये सेकंड पेज। डन हो गया? सर। ओके अब देखो, नॉइस पेन। अब देखो, अगर अब थोड़ी इंफॉर्मेशन बताता हूँ मैं, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर एक अल्किल ग्रुप है तो उसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। एक अगर अल्किल ग्रुप अटैच है तो उसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन ऐसा कहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अगर दो अटैच है कहीं भी, इधर इधर कहीं भी, दो दो अल्किल ग्रुप अगर अटैच है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक अल्किल और ये दूसरा अल्किल, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसके बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अगर तीन अटैच है तीन अल्किल ग्रुप अटैच है, कौन सी भी अल्किल ग्रुप, मिथाइल इथाइल कौन सी भी, अगर तीन अटैच है इसको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं। और अगर चार है तो इसको टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोलते हैं। अब देखो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड जो है वो मोर स्टेबल है देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। अगर किस एग्जांपल में अगर टेट्रा और ट्राई दोनों फॉर्म होने की अगर चांसेस है तो टेट्रा मेजर प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, राइट। देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल देन डाई सब्स्टिट्यूटेड, एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अभी हमने दो प्रोडक्ट फॉर्म किए थे, अब देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, उसमें से A एक था और दूसरा प्रोडक्ट है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ये दो है और यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम ये दो है, इसमें से अब दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन एंड दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, राइट। दिस इज मोनो अल्किल ग्रुप कौन सा भी हो, इसमें मिथिल है इसमें इथिल है, राइट, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर सब्स्टिट्यूशन देखने का, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है और ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है और हमको स्टेबिलिटी मालूम है, डाई सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड, इसीलिए इस रिएक्शन में डाई सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर प्रोडक्ट एंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड इज माइनर प्रोडक्ट, राइट। अब यही रिएक्शन देखने की हमको सेट्स रूल के बाद उसमें अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन लिखने का है। अब देखो, अब यहां इधर क्या लिखा, ठीक है, अब देखो
यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेटजेब्स रूल में एग्जांपल फर्स्ट, टू क्लोरोब्यूटेन बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक केओएच टू फॉर्म ब्यूट टू इन ब्रैकेट मेजर प्रोडक्ट राइट एंड ब्यूट वन इन ब्रैकेट माइनर प्रोडक्ट ओके अकॉर्डिंग टू सेटजेब्स। अब ये सेटजेब्स ने एक्सप्लेन किया है इसलिए हमने ऐसा लिखा टू ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट ब्यूट वन इन माइनर प्रोडक्ट। अब देखो वही रिएक्शन CH3 और CL यहां ठीक है और यहाँ KOH अल्कोहलिक KOH ये है 2-chloro-butane नंबरिंग अगर इधर से स्टार्ट की तो 1, 2, 3, 4 2-chloro-butane ओके। अब ये क्लोरीन और KOH कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक बार ये हाइड्रोजन जाता और एक बार ये हाइड्रोजन, इतना ही याद रखो खाली। और ये इधर का गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आता CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 यह है ब्यूट टू इन ब्रैकेट मेजर प्रोडक्ट 80% मेजर है ना इसलिए 80%। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, ये हाइड्रोजन अगर रिमूव हो गया तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट वन इन ये है माइनर प्रोडक्ट। अब ये 80 है मेजर तो 100 में से माइनर कितना होगा फिर 20, अगर मेजर प्रोडक्ट 90 है तो माइनर प्रोडक्ट 10 लिखने का, यह है 20 ओके। ये होगा सेटजेब्स रूल अकॉर्डिंग टू सेटजेब्स रूल ऐसा बोलने का। नेक्स्ट देखो अब एग्जांपल सेकंड सर बोलो। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो सर, पहले इसमें इथाइल ये है, नहीं सॉरी सेकंड इसमें इथाइल है ना। हाँ 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 अल्किल ग्रुप। हाँ हेलो सर। हाँ और फर्स्ट उसमें मिल है तो सर इथाइल मिथाइल से ज्यादा होता है ना। हाँ बराबर है ना, इथाइल में ज्यादा कार्बन आइटम है मिथाइल से, मगर यहाँ अल्किल ग्रुप में कितने कार्बन आइटम है ये नहीं देखने के, नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स राइट, नंबर देखने के। सर फिर भी जो जिससे आपकी आवाज आ नहीं रही अच्छी तरह से। लेकिन सर फिर भी इथाइल तो मिथाइल से ज्यादा ये है ना स्टेबल। कौन बोला तुमको मिथाइल से ज्यादा इथाइल स्टेबल है, कहीं पढ़ा क्या तुमने? वैसे नहीं सर, मींस उसमें ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन आइटम है ना। हाँ तो कार्बन और हाइड्रोजन आइटम का कुछ ये नहीं है प्रॉब्लम, मगर ज्यादा ये डबली बॉन्डेड को ज्यादा से ज्यादा अगर साइड चेन ने कवर किया तो वो ज्यादा स्टेबल रहता। अब यहाँ इथाइल नहीं, यहाँ प्रोपाइल भी अगर साइड चेन अटैच की तो ये कम स्टेबल रहेगा इससे,
आया समझ, क्योंकि इधर इधर ये प्रॉब्लम इधर नहीं है ना कोई, समझ में आया? यस सर, क्योंकि उसका एक साइड बहुत स्ट्रांग है और एक साइड बहुत वीक है, लेकिन वो जो वो जो मेजर है ना वो बीच से स्ट्रांग है इसलिए। हाँ आगे समझ में, अब ये दोनों भी कवर किए ना इधर के साइड इसने। ठीक है, अब देखो ये तो जान दो, ये तो इथाइल है, मगर अब दूसरा एक एग्जांपल देखो आप। एग्जाम्पल है इसमें ये साइड चेन है और इधर कुछ नहीं, और दूसरा एक एग्जाम्पल है देखो, वो तो इथाइल था, ये तो ब्यूटाइल है, राइट। इसमें एक साइड को अल्किल ग्रुप है और एक साइड को नहीं है, और इसमें मिथाइल मिथाइल मगर दोनों साइड को है, तो ये हो गया डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड। और स्टेबिलिटी कौन सी है अपनी? डाई सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड। कार्बन एटम की चेन कितनी भी हो, कुछ इस उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को कितने अल्किल ग्रुप है ये देखने के, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को ज्यादा से ज्यादा अल्किल ग्रुप अगर अटैच है तो वही स्टेबल रहता है। ओके, डाउट सॉल्व हो गया ये सर? दोनों स्क्वायर द्रव से अगर अल्काइल ग्रुप होंगे तो हाँ तो तब कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? कौन से अल्काइल ग्रुप होंगे? कौन से सर? फर्स्ट ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हमने अभी वहां पे ब्यूटाइल है ना, ब्यूटाइल के अपोजिट में हमने वो इथाइल लगाया और तो सर इसमें दोनों ऐसा क्या? हाँ नहीं नहीं तो फिर ये स्टेबल है, तो तभी ज्यादा कार्बन आइटम काउंट करने के, अगर सेम सब्स्टिट्यूटेड है तो। क्यों? ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है तब तुम कार्बन देखो, मगर पहले ही नहीं देखने के। ओके, उसके बाद कार्बन देखने है क्या? हाँ, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो कार्बन देखो, अगर मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल, अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है दोनों भी तो उसमें कार्बन देखो, और अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व होगा अब। ओके सर, ठीक है, ये थर्ड पेज। अब डिस्क्रिप्शन तुम लिखो, एक रिएक्शन में देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन। ब्रोमीन, 2-bromopentane, इधर से नमूने स्टार्ट करने के लिए 2-bromo आता हो, 2-bromopentane, 2-bromopentane की तुम रिएक्शन करो KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करो, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, इसमें मेजर माइनर कौन सा है तुम को आना चाहिए आप। ओके, आ जाएगा ये, रख दो होमवर्क के लिए। यस सर, कर ले, मींस मैं कर लूंगा। ओके, आप देखो ये अगर ऐसे रिएक्शन है तो देखते ही पता चलता है कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आपका स्टडी अच्छा नहीं है, ऐसा मतलब होगा इसका। देखते ही कंपाउंड, देखते ही डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आता टर्मिनल ने, टर्मिनल बी कंपाउंड ज्यादा है। यस, गुड, ऐसा स्टडी होना चाहिए, स्पार्किंग होनी चाहिए दिमाग में, ऐसे स्पार्क होना चाहिए, स्पार्किंग। एग्जांपल देखा कि
कंपाउंड का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ओके ठीक है, डन सर। ओके, ये सेट जेप्स रूल आज करो, अच्छी तरह से करो। एग्जाम में इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं क्या? ठीक है। सो फ्रेंड्स, टुडे विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस टुमारो। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, बाय।